कई बार पॉजिटिव सोचना मुश्किल लगता है, परंतु कम से कम हमें सही सोचना चाहिए। आप अगर कभी वो म्यूजियम में गए हो कि जहां विभिन्न प्रकार के आईने होते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा दिखता है, कोई ठिंगना दिखता है, कोई मोटू दिखता है, म्यूजियम में तो इंजॉय करने के लिए अच्छा है, परंतु क्या आप घर में ऐसे आईने लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो वास्तव में जीवन में हम विभिन्न प्रकार से इन आईनों को लगाते हैं, और परिस्थिति है या तो 5% को हम 90% कर देते हैं, उसको हम एक विकृत रूप दे देते हैं। तो यह नहीं करना है। राइट थिंकिंग करो कि परिस्थिति जैसी है वैसी देखो। बहुत सारे करीब 12 विभिन्न प्रकार है कि जिससे आप परिस्थितियों को विकृत रूप देते हैं। बस थोड़ा सा अभ्यास डालिए कि अब वर्तमान में मेरे सामने समस्या है, परंतु उस समस्या को मुझे उतना ही महत्व देना है कि जितना वह सचमुच है, तब तो ठीक है। और इसलिए बस ये आदत डालिए कि मैं राइट थिंकिंग करता हूं या नहीं करता हूं। एक चार्ट लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या घटित हुआ, कैसा मुझे फील हुआ, क्या विचार आया, वह विचार राइट था या नहीं, उसको राइट मुझे कैसे करना है। तो विजडम ऑफ द डे है कि पॉजिटिव थिंकिंग न भी कर पाओ, कम से कम हमें राइट थिंकिंग करना है। विजडम ऑफ द डे। It may be difficult to think positively in every situation, but at least we should adopt the right way of thinking about situations.